Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. So, आज है संडे और इसका मतलब क्या है? आप पहले आ जाओ. तो आज मैं फिर से जा रहा हूँ राइड पर और मैं वाइल्डिंग राइडर्स के साथ आज राइड करूँगा. बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी सुपर बाइक्स होंगी. तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ मीटिंग पॉइंट पर. हाँ हाँ, आप भी आ जाओ. तो अभी मैं फ़िलहाल इसमें पेट्रोल फिल कराऊंगा, उसके बाद सीधे मीटिंग पॉइंट पर. स्पीड स्पीड स्पीड. हो चुका है फुल. अब यहाँ से सीधा मीटिंग पॉइंट पर. अरे भाई, लो मोड था. ये संडे का बस एक यही मजा है, रोड्स एकदम खाली होते हैं. तो ये रे शानी काजी ब्लॉक करते हुए फाइनली पहुंच गया मैं. क्या हाल है पाजी? सत श्री अकाल. बढ़िया बढ़िया. ये सानी पाजी के Zx10r M Pro. सबसे बड़ी इस बाइक में लगता है इसमें क्रूज कंट्रोल, सबसे बेहतरीन चीज़ तो मुझे लगती है. देख कितना आराम से सानी पाजी अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं. हेलमेट वगैरह क्रूज कंट्रोल लगाया करता है. मुझे नहीं लगता 10R से ज़्यादा लाउड कोई और बाइक है. नंबर बड़ा ज़बरदस्त है बाइक का. बॉस, बॉस मीन्स 8055. तो अभी हम लोग रुक गए हैं. मुझे पता नहीं, ओहो पता किसी बाइक में इशू हो गया. क्या हो गया इसमें? अरे वो क्या कहते हैं, लीवर का स्क्रू लूज है. जनरेटर में क्या हो गया? बाइक का इशू हो चुका है सॉल्व. अब हम लोग मेरठ एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे. यहाँ से एक्चुअल एक्सप्रेसवे स्टार्ट है. तो 167 9 हाई स्पीड में बोलता हूँ, ध्यान भी हटता है मेरा. ज़्यादा स्पीड में आप चला रहा हूँ तो बोल सकते आप चलाओ. और आप
में चल रही है, मेरा सर पूरा एकदम पीछे खींच रहा है, बिंदास इतना ज़्यादा है, हेलमेट पहनने का पूरा ऐसे जा रहा है। रोड बहुत ही बड़ा है, धीरे ड्राइव करता हूँ। अभी हम लोग टोल पर हैं, यहाँ से होगा यूटर्न, अभी सब लोगों का वेट चल रहा है। बोसा बोसा जिक्सर 10R 10R S1000 RR 10R नई वाली 10R बोसा डेटोना बोसा S1000 RR 6R और ये कौन से निंजा 650। बहुत सारी बाइक्स हैं, उन्होंने ले लिया है मेरा टोल से यूटर्न। ब्रेकफास्ट करेंगे तो कुछ एनर्जी आएगी बॉडी में। और ये रोड भी ज़्यादा खास लगा नहीं मुझे, कार के हिसाब से ओके है, बाइक के हिसाब से ट्रैफिक ज़्यादा है, उबड़ खाबड़ है। We'll be right back.
मैथ्स का मूड नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, अब बस के लिए मैं खाली व्हीली रिकॉर्ड करूँगा, करूँगा नहीं। दोपटी मॉन्सर में मेरे ख्याल से कोई इशू हो गया, धक्का लगाना पड़ा, शायद पेट्रोल खत्म हो गया। जब तक पेट्रोल पंप में आएंगे ऐसे ही धक्का मारना पड़ेगा। दर्द हो गया, अच्छी खासी भारी बाइक है ये भी। हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है भाई देख के, फाइनली हम ब्रेकफास्ट करेंगे, बहुत देर से हम लोग भटक रहे हैं। इतना ज्यादा भटकने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं, अब ये पता नहीं कौन से बैक साइड से एंट्री हो रही है। जान निकल गई है भाई, भूख के मारे एकदम ख़त्म हो गए हैं। तो ये है जाम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, हम लोग इधर आए थे, दिस इज कंटेन बाय रेडी से, काफ़ी अच्छा था ब्रेकफास्ट। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी लग रही है बहुत ही। भाई लोगों का चल रहा है फोटो शूट, बस ये ख़त्म नहीं होने वाला, इसके बाद हम निकलेंगे सीधे घर। मेरे गोप्रो की बैटरी काफ़ी लो हो चुकी है, दो बैटरी थी दोनों एकदम ख़त्म, तो अब शायद ही मुश्किल है मैं आगे व्लॉग कर पाऊँ। तो ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, आप लोग बताना मेरे को कैसा लगा, और मैं नेक्स्ट व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट व्लॉग होगा मेरा हाउ टू डू व्हीली ट्यूटोरियल। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि भैया व्हीली बताओ व्हीली बताओ, इधर भी काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो नेक्स्ट व्लॉग में होगा हाउ टू डू व्हीली। और आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ करें, उधर आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा, काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़, काफ़ी अच्छे रील्स व्हीली की, फ्लाई बाइक्स की, बैक फायर्स की। तो आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।